फूड पिरामिड एक ऐसा पिरामिड शेप का है, कोन शेप का है, जिसमें मेनली जो नीचे की जो बेस जो होती है उसमें वो फूड या फूड ग्रुप्स रखे जाते हैं जो हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं डेली। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है इसका मतलब है कि हमको इसकी जो क्वांटिटी है वो कम करते हुए जानी है। तो सबसे पहले हम फूड पिरामिड की बात करते हैं। ये जो फूड पिरामिड है वो NIN ने दिया है। सबसे पहले नीचे जो बेस है वो आप एडिक्वेटली इसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें आता है सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस और मिल्क। फिर उसके ऊपर आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फिर है नॉन वेज, ऑयल्स, नट्स, ऑयल सीड जो कि ई मॉडरेट खानी चाहिए, और लास्ट में आता है फास्ट फूड, स्वीट, आइसक्रीम जो कि कभी कभी खानी चाहिए। ये जो फूड पिरामिड है ये NIN ने दिया है। साथ साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए, अल्कोहल को नो करना है और टॉबे को भी नहीं लेना है। ये जो है फूड पिरामिड। एक फूड पिरामिड ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें हमने जो फूड ग्रुप्स पढ़े हैं वो इस हिसाब से रखें कि उसकी किस टाइप से हम क्वांटिटी लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें भी नीचे जो है हमारा सीरियल्स आएगा, जैसे रोजाना जो हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं वो है सीरियल्स और मिलेट्स, फिर है पल्सेस, फिर मिल्क और उसी के साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लास्ट में जो है ऑयल्स और फैट और शुगर आ जाएगा। इस टाइप से फूड पिरामिड्स हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट करेंगे। हमने फूड के बारे में पढ़ लिया, फूड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फूड पिरामिड पढ़ लिया, बैलेंस डाइट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट हमको तभी मिल पाएगा जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट लें, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज। न्यूट्रिएंट जिसको दो में क्लासिफाइड किया गया है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी क्वांटिटी हमको ज़्यादा होती है, पर डे उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। माइक्रो जिसकी पर डे रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए असेंशियल है। माइक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है ये तीनों ही हमको एनर्जी देते हैं। सबसे पहले जो हम न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करेंगे वो एनर्जी ही होगा। और माइक्रो में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। सो सबसे फर्स्ट जो है वो हम एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा। एनर्जी की डेफिनेशन होती है कि एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की जो क्षमता देता है वही हमारी एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। एनर्जी की जो यूनिट है वो किलो कैलोरी और जूल में है। सबसे पहले हम किलो कैलोरी के बारे में जान लें कि किलो कैलोरी क्या होता है। किलो कैलोरी यानी 1 kg वाटर को हम इतना गर्म करें कि जो उसका टेम्परेचर है वो 1 degree centigrade बढ़ जाए, तो उसको गर्म करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो कैलोरी कहलाता है। जैसे 1 kg वाटर को गर्म करें, हीट करें, इतना गर्म करें कि उसका टेम्परेचर 1 degree centigrade तक इंक्रीज हो जाए। मान लो उनका वाटर का जो टेम्परेचर है वो 15 degree centigrade है, तो हम उसको इतना गर्म करें कि वो 16 degree centigrade तक पहुंच जाए, तो उसको इतना गर्म होने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो कहलाता है कैलोरी। फिर आता है जूल। ये इंटरनेशनल यूनिट है, आजकल जूल का ही यूज़ किया जाता है। जूल की डेफिनेशन होती है 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप 1 newton के फोर्स से 1 meter तक आगे खिसकाते हो, तो आगे खिसकाने के लिए आपको जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो जूल कहलाता है। यानी 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, उसको आप 1 newton फोर्स के साथ, दबाव के साथ 1 meter तक आगे खिसका रहे हो, तो खिसकाने के लिए आपको जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है वो जूल कहलाता है।
अब हम देख लेते हैं कि किलो कैलोरी और जूल किसके बराबर होता है। तो 1 किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल के बराबर होती है, या 4184 जूल के बराबर होती है। वही 100,000 किलो कैलोरी 4.184 मेगा जूल के बराबर होती है। इसको अगर राउंड में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी में 4.19 किलो जूल होता है। तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ था कि 1 किलो कैलोरी में कितने किलो जूल होते हैं, तो इसका आंसर है 4.184 किलो जूल। अब हम नेक्स्ट हमने पढ़ लिया एनर्जी की यूनिट जो है वो कैलोरी होती है, जूल होती है। अब एनर्जी को नापते कैसे हैं? एनर्जी जो है वो फूड में पाई जाती है, तो किसी फूड में कितनी एनर्जी है उसको मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। ये हम जो यूज कर रहे हैं वो फूड में यूज करें कि किसी भी फूड में कितनी एनर्जी है उसको देखने की टेक्निक या मेथड है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करें तो इसमें बॉम कैलोरी मीटर आता है। बॉम कैलोरी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जिस फूड की हमें एनर्जी पता लगानी है कि उस फूड में कितनी एनर्जी है उसको पहले वे कर लिया जाता है। जैसे मान लो हमको आटे का या बेसन का या किसी भी फूड में कितनी एनर्जी है पता लगाना है, तो उसको पहले 5 ग्राम 10 ग्राम मेजर करके इस जो बॉम कैलोरी मीटर है उसके अंदर जो क्रूसीबेल होता है, बर्तन होता है, उसके अंदर हमारा वे किया हुआ सैंपल हम रख देते हैं। फिर ये जो बॉम कैलोरी मीटर है इसके चारों तरफ जो है वो वाटर भरा हुआ रहता है। यहाँ पर थर्मामीटर लगा हुआ रहता है जिससे कि वाटर का टेम्परेचर नाप लिया जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक तार होते हैं। फिर क्या किया जाता है, पहले वाटर का टेम्परेचर नाप लिया जाता है, फिर इलेक्ट्रिक तार से करंट पास किया जाता है जिससे जो हमने क्रूसीबेल बर्तन में जो हमारा फूड रखा था वो जलने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है। जलने से उसको हीट मिलती है, मतलब उष्मा जो है वो बढ़ जाती है। हीट बढ़ने से जो हमारा जो पानी जो हमने भर रखा था उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पहले कितना टेम्परेचर था और फूड जो जलने के बाद कितना टेम्परेचर हुआ, उन दोनों को माइनस करके हम निकाल सकते हैं कि उस फूड जो हमने बॉम कैलोरी मीटर में रखा है उसमें कितना एनर्जी है। बॉम कैलोरी से ये पता लगा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 किलो कैलोरी देता है। उसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन 5.6 किलो कैलोरी देता है, और 1 ग्राम फैट 9.4 किलो कैलोरी देता है। ये जो वैल्यू आई है वो बॉम कैलोरी मीटर से निकल के आई है, लेकिन ये हमारी बॉडी में इतना नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो उसमें एनर्जी थोड़ी वेस्ट हो जाती है। तो ये तो बॉम कैलोरी मीटर से मशीन से निकल के आया है कि हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम प्रोटीन इतनी एनर्जी देता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको 4 किलो कैलोरी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन भी हमको 4 किलो कैलोरी देता है, और 1 ग्राम फैट हमको 9 किलोरी देता है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है हमको फैट से ही मिलती है। ये जो हमने कम हो रही है वैल्यू वो इसलिए हो रही है क्योंकि बॉडी में जब डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो फूड की जो एनर्जी है वो थोड़ी लॉस हो जाएगी। जैसे कार्बोहाइड्रेट की 2% तक होती है लॉस, इस प्रोटीन की सबसे ज्यादा होती है 8% तक होती है, और इसकी 5% तक जो है वो लॉस होती है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से किस तरह से फूड में एनर्जी को निकाला जाता है।